मेरे पीछे आप जिस युवा संत को देख रहे हैं, ये बर्फ में 13-13 दिन तक इसी तरह तपस्या करते हैं। ये हवा में चल सकते हैं, ये पानी में तैर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं। कौन है ये संत, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन जब से ये बर्फ वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तब से सोशल मीडिया पे 10 तरह की बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे सनातन धर्म की शक्ति बता रहे हैं, कुछ लोग योग की शक्ति बता रहे हैं, कुछ लोग एआई का चमत्कार बता रहे हैं। तो जिन्हें एआई लग रहा है, ये उन्हीं के लिए ये वीडियो है। इसमें मैं इनको पानी पे तैरते हुए यानी पानी पे तपस्या करते हुए भी दिखाऊंगा, बर्फ पे भी दिखाऊंगा और इनके बारे में भी बताऊंगा। इनका नाम सत्येंद्र नाथ है, योगी सत्येंद्र नाथ है। इनके बारे में पहले देखने से पहले कुछ वीडियोस देखिए और समझिए योग की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी है और कितनी विस्तृत है। इस बर्फ पे माइनस टेंपरेचर होता है और यहां पे चलना एक छोड़ दीजिए, आप अगर यहां पर साधारण रूप से खुली आंखों के साथ जाएंगे तो आंख की पुतलियों में पानी होता है, वो जम जाता है और आंख नहीं बंद होती है। इसमें बगैर कपड़ों के, मतलब एक शरीर पे वस्त्र है मात्र, और इसके साथ तपस्या करने के लिए, पानी लेने के लिए ये ऊपर जाते हैं और वहां पर 7 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 11 दिन की, 13 दिन की हठ योग साधना करते हैं। योग में कितनी शक्ति है, ये कैसे करते हैं, ये सत्येंद्रनाथ जी ने खुद बताया है। मैं अभी बताऊंगा उसको वो ये कैसे करते हैं, लेकिन पहले इस बात को समझिए और देखिए। अब यहां पर ये देखिए, आप यहां पर जब वीडियो देखेंगे तो ये पर्वत का जो नुकीला हिस्सा होता है जहां पर सिर्फ पंछी बैठ सकता है, शरीर को इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया है कि ये उस स्थान पर, उस हल्के स्थान और पतले स्थान पर भी खड़े होकर ये योग साधना कर सकते हैं। ये पत्थर का नुकीला हिस्सा होता है, गले में रुद्राक्ष की माला है। अब ये देखिए, अब ये दरख है, पेड़ के बीच का वो हिस्सा जहां पंछी घोंसला बनाते हैं, दीमक रहते हैं, उस जगह पर भी दूर दूर समय समय तक, काफी समय तक योग साधना ये करते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से बादलों के बीच में, हिमालय का वो हिस्सा जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां पर बादल टकरा रहे हैं सर से, वहां पर बैठकर हफ्तों तक तपस्या करना, हठ योग करना, साधना करना, इसी को कहते हैं योग शक्ति। ये कैसे करते हैं यही मैं बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए। अगली वीडियो में आपको मैं शुरुआत में बताया था पानी पर बैठना, तैरते हुए आप लोगों को देखे होंगे बैठकर किस तरह से तपस्या की जाती है, पानी पर हठ योग कैसे किया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने आपको दिख रहा है। पानी गहरा है और पानी की ये बीच वाली जगह है। अब इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये वो जगह है जहां पर पंछी बैठते हैं। पंछी अपने शरीर को इस तरह आप बना लीजिए कि आप कहीं भी बैठ सके, यहां पर पंछी बैठते हैं। जटायु, गिद्ध जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर रहते हैं, जहां पर इंसान का जाना मुश्किल होता है, वहां पर बैठते हैं। और उस नुकीले पर्वतों पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करना कितना मुश्किल होता है आपको इस वीडियो में दूर से दिख रहा होगा। अब ये देखिए, अब अपने शरीर को आप इस तरह बना लीजिए, इस वीडियो में आपको दिखेगा कि आप अपने शरीर को इस तरह बना लीजिए कि किसी भी सीधी अवस्था में कहीं भी, जैसे मशरूम का पौधा लग जाता है, जैसे कोई चिपकने वाला जानवर किसी पेड़ पे चिपक जाता है, उसी तरह, उस तरह भी रह के आप काफी समयों तक हठ योग कर सकते हैं, चल सकते हैं, अपने शरीर को इस काबिल बना सकते हैं। आपने मार्शल आर्ट्स वगैरह में ये सारी चीजें देखी होंगी कि पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से में किस तरह खड़े होकर योग किया जा सकता है। इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो ये पेड़ पर इस तरह से चल रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा पट पेड़ है, और इसको इस तरह से चल रहे हैं जैसे कोई सड़क पर चल रहा हो और उसी पे योग कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर सत्येंद्रनाथ हर उस जगह पर अपने आप को परफेक्ट साबित कर सकते हैं जिस जगह पर आम इंसान का जाना मुश्किल है। अब इसी वीडियो को देख लीजिए, ये गुफा के अंदर की वीडियो है और गुफा के अंदर यहां पर केवल पहाड़ी जानवर, आम इंसान तो यहां जा नहीं सकता है। जब इसको ड्रोन शॉट लिया गया तो पता चला कि सत्येंद्रनाथ इससे तपस्या कर रहे हैं। अब ये वीडियो बनाता कौन है, कैसे आती है, वो भी मैं बताऊंगा। ये हेलीकॉप्टर से ली गई फोटो है और ये उस जगह की फोटो है जहां पे टेम्परेचर माइनस से बहुत ज्यादा नीचे होता है और झरने तक जम जाया करते हैं। आप पीछे देखेंगे तो झरने जमे हुए हैं और झरने जमे हुए हैं और वहां पर इनकी तपस्या चल रही है और शरीर
कितने कपड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो ये गुफा के अंदर आपको दिख रहे हैं, तो कुल मिला जुला कर ये योग है। और इसी योग को समझने के लिए सत्येंद्रनाथ को समझना पड़ेगा। सत्येंद्रनाथ को समझने के लिए मुझे अपनी पीपीटी बता दिखानी पड़ेगी और मैं आपको शुरू करता हूं सत्येंद्रनाथ जी के बारे में बताने के लिए। अब ये वाली वीडियो पहले जो एआई कह रहे थे, बता दूं ये वीडियो है कहां की, तो ये वीडियो है कुल्लू की और हिमालय की है। कुल्लू में हिमालय पर्वत है, तो कुल्लू की है, सिराज घाटी जिसे कहा जाता है, हिमालय पर्वत का हिस्सा है वहां पर, सिराज घाटी की है। और इनका नाम है महायोगी सत्येंद्रनाथ। ये मूल रूप से कुल्लू के बंजार के रहने वाले हैं और इनके सत्येंद्रनाथ करीब 25 वर्षों से कौलांतक पीठ में योग अभ्यास कर रहे हैं। इनका एक पीठ है जिसके ये प्रमुख हैं, उसका नाम है कौलांतक पीठ। और इन्हें ये कौलांतक पीठ के प्रमुख हैं, इन्हें ईशपुत्र भी कहा जाता है। अब इन्हें ईशपुत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु का नाम ईशनाथ था और वो इसके शिष्य थे। ईशनाथ जो थे वो योग में उनका बहुत बड़ा योगदान था और वो भी हठ योगी थे, बड़े तपस्वी थे। उन्होंने भी ऐसी साधना की बचपन में ही, लगभग 7-8 उम्र की जब इनकी उम्र थी तभी ये उनके पास पहुंच गए और तब से हठ योग में ये अभ्यास करने लगे। सत्येंद्रनाथ जी जो है वो हठ योगी के साथ वास्तु, रसायन, ज्योतिष और आयुर्वेद का भी इन्हें भरपूर ज्ञान है। इनके बारे में और बताता हूँ, इनके बारे में और जानकारी जो हमें जितनी मिल पाई है हम उतनी जानकारी कलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। ये तीन महीने तक वर्ष में 3 महीने तक बर्फीली पहाड़ियों में तपस्या करते हैं जहां पर माइनस टेम्परेचर होता है, वर्ष में 3 महीने तक। इनके शिष्य हैं, इनका नाम राहुल है और राहुल का उद्देश्य ये है कि भारतीय योग परंपरा को दुनिया तक पहुंचाया जाए। इसलिए सत्येंद्रनाथ जहां जहां योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, वहां राहुल जाते हैं और उनकी योग की वीडियो, साधना की वीडियो लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि सनातन का विस्तार हो सके, भारतीय योग परंपरा का विस्तार हो सके। सत्येंद्रनाथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के छोटे गांव लालजी से आते हैं और इन्हें 12 साल की उम्र में गुरु की पदवी मिल गई थी। अब सोचिए 12 साल, ये जो इससे पहले गांव बताया वहां रहते हैं, जो ये अभी बताया ये लालजी यहां से आते हैं, मतलब ये पहला इनका गांव था और इनको जो 12 साल की उम्र में इन्हें गुरु की पदवी मिल गई। 12 साल की उम्र कितनी होती है, जिस उम्र में बच्चे टिकिया खरीद के लाते हैं, बर्गर पिज्जा की जिद करते हैं और बहुत ज्यादा अगर योग्य हो जाते हैं तो अपने घर के लिए सब्जी लाते हैं, उस उम्र में सत्येंद्रनाथ जी को गुरु की पदवी मिल गई थी। सत्येंद्रनाथ कहते हैं, ये मुझे बताते हैं कि कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अलौकिक परम अवस्था, परम रहस्यमय शक्ति है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार में निवास करती है। मतलब कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार में निवास करती है, सहस्त्र हल और सहस्त्र हर कमल तक फैली हुई है। सहस्त्र हल कमल मतलब यहां तक फैली हुई है और इसमें मूलाधार को ह कहते हैं और सहस्त्र हल कमल को ठ कहते हैं। मतलब मूलाधार यानी यहां और सहस्त्र हल कमल ये इसको जो है मूलाधार को ह कहते हैं और इसको ठ कहते हैं और दोनों को मिलाकर बनता है जो हट, और उसी को मिलाकर जो कहते हैं उसी को हठ कहते हैं। इसलिए हठ योगी का मतलब इन्होंने बताया जिद्दी नहीं होता है, जो मूलाधार की शक्ति को जागृत कर सहस्त्र कमल दल में ले जाकर समाहित कर देने की प्रक्रिया को ही हठ कहते हैं। मतलब जो यहां की शक्ति है और वो सहमत सहस्त्र कमल दल मतलब अंदर से इंद्रियों को जागृत कर सीधे यहां पर प्रभावित कर दे उसी को हठ कहते हैं। और धीरे धीरे अंदर ये बताते हैं कि इतनी शक्तियां हर इंसान के अंदर है कि कोई भी इंसान दूसरी दुनिया के बाहर देख सकता है, दूसरी व्यक्ति के मन को पढ़ सकता है, किसी भी वायु में, किसी भी जल में और किसी भी पर्यावरण में आसानी से रह सकता है। उसको बर्फ का असर नहीं होगा, उसको धूप की असर नहीं होगा, उसे आग नहीं लगेगी, उसे वायु का असर नहीं होगा, उसे पानी का असर नहीं होगा, अगर वो अपनी इंद्रियों पर, अपने तमाम शरीर के अंगों पर वो काबू पा ले। और ये सिर्फ और सिर्फ हो
सकता है योग से। और सत्येंद्र नाथ ने इन तमाम इंद्रियों पर काबू करने का प्रयास किया है और बहुत पे काबू पा भी लिया है। अगर ये वीडियो नहीं होती तो लोग शायद इन सब चीजों को मजाक उड़ा देते। बहुत वर्षों पहले की कहानियां आप पढ़ते होंगे, जब भारत विदेशी आते थे तो भारत को सपेरों का देश, ऋषि मुनियों का देश कहते थे। लेकिन शायद ऐसी वीडियो जब वो देखेंगे कि इसमें इतनी मोटी लेदर की जैकेट और इतना मोटा चश्मा पहन के घूमेंगे, उसी में एक भारतीय योग परंपरा का व्यक्ति जिसने योग साधना को सिद्ध कर रखा है, वो व्यक्ति केवल और केवल अपने आप शरीर में अपने शरीर को काबू करके, अपने शरीर से बात करके, अपने इंद्रियों को जगा करके बगैर किसी कपड़ों के आसानी से रह सकता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सत्येंद्र नाथ जी के बारे में आपको जानकर कैसा लगा यह भी मुझे बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।